नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माय हेल्थ दैट इज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेफ्टल स्पास टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, इसके क्या कंपोजिशन है और आप इसे किस तरीके से खरीद सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, किसी तक की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं, ये जैसा आप टैबलेट देख पा रहे हैं मेफ्टल स्पास टैबलेट, जो कि ब्लू क्रॉस कंपनी बनाती है, और इसके 10 टैबलेट की कीमत की मैं बात करूं तो सिर्फ 39 रुपीज में आपको आसानी से आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है। तो ये बहुत ही फेमस टैबलेट है, इसलिए आपको आसानी से ये मिल जाएगी, आपको इसको मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसके हम कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। सर, तो इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है सिर्फ दो होते हैं, एक मेफामिक एसिड कंपोजिशन होता है और दूसरा होता है डाइसाइक्लोमीन। दोस्तों, अब किस लिए काम करता है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको पेट में दर्द है, किसी भी वजह से आपको पेट में दर्द हो गया, दस्त की वजह से या गैस बनने की वजह से आपको दर्द हो गया, या महिलाओं में किसी वजह से अगर दर्द होता है तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट के डोजेज की हम बात कर लेते हैं, तो अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, यानी 16-18 साल के हैं, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को आप सुबह और शाम दिन में 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 4 दिन तक। अगर आपको एसिडिटी वगैरह गैस वगैरह भी बनती है तो साथ में किसी भी एसिडिटी की दवाई, जो गैस की दवाई जिनटेक हो गई या पेंटाप्राजोल टैबलेट की टैबलेट, आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि बच्चों को भी ये समस्या आती है, तो बच्चों में इस टैबलेट के लिए सिरप का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जो कि अपने डॉक्टर के हिसाब से जो डोजेज हैं वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी हम बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसका अभी तक कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिले हैं। कई बार इस टैबलेट को लेने से आपको सर में दर्द हल्का फुल्का हो सकता है और चक्कर भी आ सकते हैं, हल्की नींद की समस्या हो सकती है, जो कि बहुत ही सामान्य है, न के बराबर होती है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आपको इसके डॉक्टर के बारे में इसकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अगर कोई सुझाव हो तो लिखना न भूलें। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरा धन्यवाद दोस्तों।